खरगोन शहर के औरंगपुरा क्षेत्र में शराब दुकान खोलने के विरोध में सभी होटलें सहित अन्य दुकानें बाजार बंद रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ रहवासियों ने शराब दुकान के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल तौड़ी मोहल्ले की शराब दुकान को बीती रात औरंगपुरा क्षेत्र में स्थानांतरित करने का औरंगपुरा क्षेत्र के लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दामखेड़ा नाग मंदिर, चर्च, दारुल उलूम और स्कूल जाने वाले दामखेड़ा सड़क मार्ग पर शराब दुकान खोल दी गई। महिलाओं में अच्छा खासा विरोध देखा गया। मौके पर खरगोन कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई। विरोध प्रदर्शन के बाद औरंगपुरा क्षेत्र की महिलाएं सहित रहवासियों ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महिलाओं सहित लोगों ने जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का कहना था कि धार्मिक स्थल सहित सभी समाज के प्रमुख स्थल के मार्ग पर प्रशासन ने शराब दुकान खोल दी। शराब दुकान नहीं चलने देंगे, अगर शराब दुकान नहीं हटाई गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। रहवासियों सहित सत्ताधारी भाजपा के नगर उपाध्यक्ष मनोज राठौड़ का कहना था कि शराब दुकान खोलने के विरोध में पूरा औरंगपुरा क्षेत्र बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। किस प्रकार का विरोध है, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जो दारू की दुकान जो खुल रही है उससे हमको विरोध करना है कि यहाँ पे दारू की दुकान नहीं खोली जाएगी। यहाँ पे हमारा रहवासी एरिया है, दामखेड़ा मंदिर है, दाल रूम है, चर्च है, और यहाँ पे ये जो मतलब दारू की दुकान खुल रही है उससे हमको आपत्ति है। हम यहाँ नहीं खोलना चाहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ से विरोध है कि यहाँ पे दारू की दुकान नहीं खोली जाए, क्योंकि यहाँ से बच्चे भी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हमको यहाँ पे आपत्ति होती है। क्या पहले कहाँ थी दुकान? पहले बाहर पारसिंहपुरा में, उधर थी। अच्छा। नदी के पहाड़। तो अभी आई, आज ही आई है? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रमिला जोशी। वाले सारे निवासी स्कूल और चर्च और दारुल उलूम के सारे धर्मावलंबी आज सभी हमने विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध स्वरूप अपने प्रतिष्ठान बंद किए गए हैं। सारे रहवासियों ने जुलूस निकाल कर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। याद क्योंकि ये मानना यह है कि औरंगपुरा चौराहे पर जहाँ से दामखेड़ा रोड की तरफ टर्न किया जाता है, यहाँ पर गणेश मिल परिसर है। गणेश मिल परिसर में दारू दुकान प्रस्तावित की गई है, जिससे ये समस्या हो सकती है कि आने वाले समय में अनेक प्रकार के धर्म, जिस प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में यह रास्ता है, जहाँ पर दारुल उलूम साथ में क्रिश्चियनों का चर्च, साथ में दामखेड़ा मंदिर के जो भी धर्मावलंबी यहाँ से गुजरते हैं, सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन गुजरते हैं, वहाँ पर आने वाले समय में समस्या हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रतिदिन जाम की स्थिति बनती है, करीब करीब दिन में 4 से 5 बार जाम लगता है, क्योंकि यह रोड सिर्फ मात्र 8 फीट होकर दोनों तरफ नाली होकर, और क्योंकि हाथे बंद किए जा चुके हैं 1 अप्रैल से। बहुत बहुत सराहनीय काम है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नशा मुक्ति के प्रति, और इस प्रकार से और कुछ क्या होगा आने वाले समय में, यह रोड पर प्रतिदिन चक्का जाम की स्थिति बनेगी। छोटे छोटे बच्चियाँ, स्कूल वाले बच्चे, सेंट मरीज स्कूल के टीचर यहाँ से गुजरते हैं। आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कुछ भी दुर्घटना घटना होती है तो प्रशासन इस मामले में पहले से संज्ञान लेके इस जो दारू दुकान को यहाँ खोला जा रहा है उसे यहाँ से स्थानांतरित करके कहीं और स्थानांतरण कर दिया जाए, जिससे सभी लोगों को यहाँ पर राहत मिले। और हम लोग भी प्रशासन के साथ हैं, हम लोग बिल्कुल अपनी मांगे मजबूत रूप से रखेंगे। हम सरकार से और अपने अपने अलग अलग जनप्रतिनिधियों के जरिए और ज्ञापन देकर भी इस बात में विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, और आज आप देख सकते हैं पूरा औरंगपुरा चौराहा रहवासी और सभी ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। आने वाले समय में हम लोग और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर नहीं खुले, ऐसी हमारी। क्या नाम लिख दिया? जितेंद्र जोशी नाम है मेरा। लोग पहुंचे थे, विरोध किया शराब दुकान खोलने का, एकदम स्थानांतरित की गई, क्या मामला है? जी, नवीन पॉलिसी अनुसार जो देसी मदिरा दुकान थी पारसिंहपुरा, उसका स्थानांतरण आपत्ति रहित स्थल पर दामखेड़ा रोड पर किया गया था, जिसका वहां के रहवासियों द्वारा विरोध किया गया है। विरोध स्वरूप आज उन्होंने कलेक्टर साहब को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। आगे जो भी उच्च स्तरीय अधिकारियों को जो भी निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वो आज औरंगपुरा क्षेत्र बंद भी रखा और उन्होंने चेतावनी दी कि वहाँ दुकान नहीं चलने देंगे, मंदिर है, मस्जिद है जी, सब लोगों ने। हाँ, धार्मिक स्थलों से और जो शैक्षणिक संस्थान है उनसे जो भी नियमानुसार जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से उचित दूरी पर दुकान स्थापित की गई है, फिर भी उसके बाद भी वहाँ के रहवासियों का जो विरोध है, तो उसके लिए आगे जो भी उच्च स्तरीय अधिकारियों से जो भी निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की। क्या नाम लिखते हैं? सचिन भास्कर, आपका उपनिरीक्षक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।